नहीं भैया, हम आदमी के बीच में जानवर की जरूरत नहीं है, शेर की नहीं जरूरत है, इंसान की जरूरत है। और इंसान मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। अरे बेशर्मो, कह दो मोदी जी को इस्तीफा दे दे, किसी मुसलमान को बना दे मुसलमान, राष्ट्रपति को बना दे मुसलमान को, मुसलमान खतरे में, मियां जी को खतरे में। भैया मोदी जी को, मोदी जी को कहिएगा हमारी तरफ से कि सौ मियाँ जी को खतरे में डाल देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनको राज्यपाल बना दीजिए, उनको राष्ट्रपति बना दीजिए। आपको भी लगता है जी ने उसकी तरह सांसद बनना है क्या? नहीं, आपको भी रिपब्लिक भारत की नहीं, नहीं, नहीं लग रहा, लग रहा। अरे भैया समा बांध मा समझ, कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था, बाप जेठ है, राम और कृष्ण है, राम को लाए हैं, तेरा दादा लाया है, राम आ जाया, राम छात्रावास को तोड़ तोड़ कर मार कर पीट कर कर रहे, वही युवा वही छात्र जो देश का नौनिहाल है, जो देश का भविष्य है। आपको भविष्य की चिंता नहीं, आपकी चिंता अटानी की है, अंबानी की है, आपको चिंता, आप बिल्ली की तरह रस्सा मत काटो, सुनो अरे सुनो, अरे सुनो, हमारा पत्रकार हो कि बीजेपी आईटी सेल के दलाल हो, सुनो मैं पूछता हूँ, सुनो पहले बात, अरे तो अमित शाह के बाप का पैसा है, देश बेच बेच के 2800 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक बेच दी 210 करोड़ में। प्रवक्ता है तो अपना काम कर रहे हैं। यूपीएससी टॉपर कहेगा आप बताओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी जी लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं, उधर जो है केशव प्रसाद मौर्य जी भी लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों की निगाहें जो है उत्तर प्रदेश चुनाव पे तो है ही है, लेकिन ये भी निगाहें गांव-गांव में चल रही हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों का जो है विरोध किया जा रहा है। दरअसल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन चला, और इस किसान आंदोलन चलने के बावजूद भी जो है कितना फर्क पड़ा, क्योंकि चुनाव का जब समीकरण देखने को मिला, जब समय जैसे जैसे नज़दीक आता गया, वैसे क्या किसानों के मन में वो एक साल का जो पूरा किसान आंदोलन चला वो क्या मन में रिवाइंड कर रहा था, क्योंकि अमित शाह ने यह कह दिया था कि जाटों से जो है भाजपा का काफी पुराना नाता है। तो नाता कितना बड़ा है और इसका क्या फर्क पड़ने वाला है जाट वोट बैंक पे, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, इसकी सीधी जानकारी लेंगे। और आज फिलहाल वृंदावन पहुंचे हुए थे, मथुरा की धरती पहुंचे हुए थे, जो कृष्ण की नगरी है, तो वहां पे भी जो है लोगों से हमने जानकारी ली थी, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जानकारी ये लेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है धरातल पे क्या चल रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और सीधा जानकारी लेंगे कि जगह जगह जहाँ से घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दरअसल मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, इतने लोगों के बीच में आप मौजूद हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रयागराज हो, क्या मन में चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं आप? सोच बेकार, काम ईमानदार। अरे सोच बेकार, अरे काम ईमानदार। सुन तो, आप भाजपा आईटी सेल वाले हो क्या? हो क्या? नहीं नहीं, मैं आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिलबिला जाता है। अब सुनो, सोच बेकार है, काम बस प्रचार। इस बार पूरा भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होगा, आप देखिएगा। फूल को है धूल चटाना, इस बार नहीं करना है, भूल वाली बात है। पूरा एक भूल कमल का फूल, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ये उत्तर प्रदेश मंगल पांडे की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, वो लोग वो बात को नहीं भूल सकते। भाई आप कह रहे हैं जाट वाली बात, जाटों को भरवा किसने कहा था, शराबी किसने कहा था, किसने कहा था कि जाटों जिनके पुर्जे हैं ढीले उसमें खोज रहे उर्जे, उर्जे हैं तो पुर्जा ढीला आप बताइए किसका है, नरेंद्र मोदी जी का है। ऐसा ऐसा जोकर भारतीय जनता पार्टी में है, इसी बात का उसको सब कुछ सुविधा मिलता है, आप उसके सहारे चाहते हैं चुनाव जीतने। समित पात्रा ने जो बोला सुना है कि नहीं आपने, क्या बोला था? क्या समित पात्रा ने बोला? नहीं, जो जिन्ना से करे प्यार वो कैसे हो गया, और बोलो बोल, पूरा बोल ही लो ना। कौन है बताओ ना, जिसको गोबर में कोहिनूर मिलता है, जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से पेट भरेगा, को गोबर खा ले कोहिनूर सारा उसके शरीर में चला जाए, अंग्रेज नहीं ले गया गोबर, आए यहाँ ले जाए गोबर, हम लाद के देंगे, ट्रक भर भर के देंगे, ट्रक भर भर के लो कोहिनूर ढूंढते रहो। ये लोग गोबर में ड्राई फ्रूट डाल के उसको हलवा बना के खाने वाले लोग हैं, शक्कर डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, अगर नहीं बनेगा। उसी बात का उसको आईटीडीसी में चेयरमैन बनाया गया, इसी बात का ओएनजीसी में डायरेक्टर बनाया गया, इसी बात का उसको नॉर्थ ब्लॉक में मकान मिला हुआ है। टॉपर हैं,
पता है कि नहीं, माने जाने सम्मानित क्या टॉपर है, यूपीएससी टॉपर है। तो यूपीएससी टॉपर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए ना, हम वही पूछ रहे हैं। तो प्रवक्ता है तो अपना काम कर रहे हैं। यूपीएससी टॉपर कहेगा पाई, 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 आप बताओ यूपीएससी टॉपर कहेगा पी पी, क्या भाषा है भैया? ये सब मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जोकर है और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी इसको पाल रखा है। भाजपा पूरी मदारियों की टोली है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, उसी का ये उसी सर्कस का जो भाजपा रूपी सर्कस है ना उसमें का एक है। ये अपना खेल दिखाता है, अलग अलग खेल दिखाता है, इसी बात का उसमें टैलेंट बताइए। डॉक्टर था, कोरोना काल में देश के 5 आदमियों का इलाज किया होगा तो आप बता दीजिए, आप नहीं बताइएगा। यूपीएससी टॉपर था, यूपीएससी टॉपर तो वो भी था विनोद राय, नहीं था? अरे आईएएस सब कलेक्टर की नौकरी किया था ना, झूठा प्रचार 2G स्पेक्ट्रम में निकाला और क्या बना, उसी बात की दलाली में विनोद राय जो देश का सबसे बड़ा गद्दार, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाया, बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन बनाया, रेलवे कायाकल्प समिति में चेयरमैन बनाया उसको। अब बताइए, रेलवे में हाथ दिया रेलवे डूब गया, बैंक में बना चेयरमैन बैंक डूब गया, तो ये लोग क्या कर रहा है, हाँ बताइए। चलिए, अमित शाह जी जो है उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कैराना से लेकर के जो है मथुरा वृंदावन तक पहुंच चुके हैं, तो जो ये डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है इससे कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? मथुरा आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? गया था। परसौली देखा है आपने? गया हूँ। मथुरा 84 कोस परिक्रमा का क्षेत्र देखा है? गया। अरे इन बेशर्मों से, सत्ता के दलालों से, हवसियों से बोलिए, राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से, भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई थोड़े ना साधु हो जाएगा। ये पूरा देश जानता है कि रावण ने भी भगवा वस्त्र पहना था, काल ने भी, राक्षस ने भी नहीं पहना था। 84 कोस परिक्रमा आप समझिए, जिस मथुरा वृंदावन की बात होती है वहां भैंस लौटने लायक नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप उनसे पूछिए, भाजपा नेताओं से, वहाँ की सड़कों की क्या स्थिति है, वहाँ धर्मशाला नहीं है, वहाँ दवाई खाना नहीं है, तो ये बात नहीं कीजिएगा। आप बात कीजिएगा क्या, ढोंगिया ने दलित के साथ खाया, रवि किशन ने दलित के साथ खाया। जब ये लोग गुरुद्वारों में जाते हैं तो क्या गुरुद्वारों से नहीं सीखते? किसी 5 धार्मिक स्थान में बता दीजिए ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुझे तो इनके हिंदू होने पर शक है। बहुत बढ़िया, समझिए। मथुरा में जो है दिव्यता भरे भाई के लिए दिव्यता, अरे सुने, अरे डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है कि ये लोग सनातनी हिंदू है या नहीं है। जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम पेड़ को पूजते हैं, पेड़ में जल चढ़ाते हैं। जिस धर्म में जल के जीव कैसे जिंदा होगा, इसलिए मछलियों को खिलाने की परंपरा है। जिस धर्म में गाय कैसे जिंदा होगा, गाय को पूजने की परंपरा है। जिस धर्म में कुत्ता कैसे जिएगा, कुत्ता को खाना खिलाने की पूजने की परंपरा है। उस धर्म में नफरत की बात करने वाले लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, समझिए। ये हिंदू हैं या नहीं है? अगर ये हिंदू की औलाद होते तो नफरत की बात नहीं करते, त्याग तपस्या बलिदान की बात करते, क्षमा परोपकार की बात करते। ये है हमारा हिंदू धर्म। ये तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए, मत समझिए आप कि रावण में और राम में क्या फर्क था, दोनों की राशे। अरे तो अमित शाह के बाप का पैसा है, देश बेच बेच के 2800 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक बेच दी 210 करोड़ में। संदेशरा बंधु जैसे 35,000 व्यापारी देश का पैसा लेकर विदेश भाग गया, 15,000 करोड़ रुपया संदेशरा बंधु भारत से लेकर भाग जाता है, उस समय ईडी क्या कर रहा होता है, आईटी क्या कर रहा होता है, आप बताओ क्या कर रही होती है होम मिनिस्ट्री, क्या कर रहे होते हैं होम सेक्रेटरी? कैसे संदेशरा बंधु भाग जाता है नाइजीरिया, नाइजीरिया की नागरिकता ले लेता है, नाइजीरिया में सिपको कंपनी खोल लेता है। मोदी की सरकार उसी से क्रूड ऑयल का व्यापार करती है। आप बिल्ली की तरह रस्सा मत काटो, सुनो। अरे अरे सुना, हमारा पत्रकार हो कि बीजेपी आईटी सेल के दलाल हो, सुना पहले बात, मैं पूछता हूँ, सुन लो पहले बात समझो, हमारे बात कहना साफ है पत्रकार महोदय। देखिए, आप लोग आजादी के समय नहीं थे तो देश आजाद नहीं होता, सुनिए पहले बात। 15,000 करोड़ रुपया लेकर संदेशरा बंधु भारत छोड़ के नाइजीरिया गया, कैसे गया भैया? उसके लिए कौन सा विमान खड़ा था? वो सरकार का जीजा लग रहा था कि नाइजीरिया चला गया, नाइजीरिया से क्रूड ऑयल भेज रहा, 1 नवंबर को पारादीप पोर्ट पर अराइवल टाइम था। आप उस समय बात नहीं कीजिएगा, कैसे आया 300 किलो आरडीएक्स 50 किलो जेलेटिन भैया, बताओ। आप अपने ही देश में राम और कृष्ण की बात को कह रहे, राम वो थे जो प्रजा की कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, आपने छात्रों के साथ क्या किया,
आतंकवादी जैसे सलूक कर रहे, घर छात्रावास को तोड़ तोड़ कर मार कर पीट कर कर रहे, वही युवा वही छात्र जो देश का नौनिहाल है, जो देश का भविष्य है, आपको भविष्य की चिंता नहीं, आपको किसानों की चिंता नहीं, आपको मुसलमानों की चिंता नहीं, आपको जामिया जेएनयू गारगिल कॉलेज के छात्रों की चिंता नहीं, तो फिर किसकी चिंता है? अपने मियां मिट्ठू, आपकी चिंता अडानी की है, अंबानी की है, आपको चिंता। आप बिहार में देख लीजिए, वो कोई कश्मीर का सीन नहीं है भैया, वो बिहार जो ऐतिहासिक बिहार की राजधानी, ऐतिहासिक शहर, सम्राट अशोक की पावन भूमि, जो विश्व का पहला गणतंत्र सिखाया, उस गणतंत्र को प्रजातंत्र देने वाले राज्य में। अरे सुन, पूछो सवाल, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सवाल का जवाब ही दे आपको। सुनो, अरे सुनो, आप लोगों को का सुनने का पैसा लगता है मोदी जी की तरह, सुन नहीं रहे। हम कह रहे बिहार में जो छात्रों के साथ हुआ है, आतंकवादियों जैसे सलूक हो रहे, क्या इन्हें शर्म नहीं आ रहा? न घर बसा हमारा, न घर बसने तुम्हारा, आगे नाथ ना पीछे पगाम, बगैर लगाम का कूदे कदा है। जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में यूपी बिहार के ग्रामीण स्तर के बच्चे जो 40-40 साल हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, उन बच्चों को आतंकवादी चाइना का चौ नहीं बोल पाओगे, चीनी बोलने में डर लगेगा। और यह छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, मुसलमान, यही कमजोर है। आप लक्ष्य बरसा दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, हैं? क्या आप लोग कहते हैं धर्म धर्म? तो चलिए, एक सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और साथ ही साथ में अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो है लोग बाग देख रहे हैं उसको बड़ा करीबी से। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठी बरसाए जा रहे हैं, बेरोजगारी की दर जिस तरीके से बढ़ी है, तो क्या लगता है इसका भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, मतदान के दिन आप जब अपने घरों से निकलें, महंगे गैस सिलेंडर, महंगे राशन, किसान भाइयों की दुर्दशा, और जो आपके ही घर के बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनका सकल देख कर जाएं। और ये बात मैं नहीं कहता, देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री, फेकू प्रधानमंत्री, अंबानी अडानी के दलाल प्रधानमंत्री ने कहा था कि मतदान के दिन जिस दिन जाना, आप तमाम चीज़ों को देख कर जाना। देश के आप हिंदू मुसलमान अग्रे पिछड़ों दलितों की बात नहीं है, ये देश के युवाओं की बात है। और जो युवा देश का भविष्य होता है, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं डबल इंजन, इस बार के युवा ही नहीं, युवा के माँ बाप भी, भाई बहन भी, चाचा ताऊ भी, मामा मामी भी इस बात का प्रण करता है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। सत्ता रियलिटी में हम लोग कितने बदनसीब हैं जो हमने अपने बाप दादाओं की बातों को नहीं समझा। आज हम युवा, अगर आएगा तो मोदी ही नहीं कहा होता, ताजे पचाल नहीं हुए होते। बहुत बढ़िया भाई, समझिए, आज शरीर पर डंडे नहीं बरस रहे होते, ये हमारे आजाद भारत मुल्क में डंडे बरस रहे हैं, मानो हम पाकिस्तान में रह रहे हो। हमारे बाप दादाओं ने देश को आजाद कराया है, अपने खून पसीनों से देश को आजाद कराया है, आजाद मुल्क में धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार, हमारे ही वोट से आप चुन कर आते हैं और हमें धर्म का नशा समझा रहे हैं, हैं? और हमारे ही लोगों को आप लाठियों से, गोलियों से, पानी के बछौरों से, इस ठंड के मौसम में, ये लोग धर्म के मानने वाले हो ही नहीं सकते। अगर धर्म के मानने वाले लोग होते तो पानी की बछौरे नहीं छोड़ रहे होते, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रहे होते, लाठियां चार्ज नहीं कर रहे होते। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने की नहीं? कौन लाया राम को? क्या तो पूछ रहे हैं, कहिएगा, कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था, बप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं, कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? बाप को लाए हैं, तेरा दादा लाया है। राम आ जाया, राम किस युग में आए, कितने सौ साल हो गए, अरे राम ने हम सबको लाया है। कौन है हिंदुस्तान का मुसलमान राम को नहीं मानता? ऐसा है, ये सिर्फ बीजेपी वाले इसका व्यापार कर रहे, उसका विरोध करते, वो राम का विरोध नहीं करते, कोई हिंदू पैगंबर साहब का विरोध नहीं करते, प्रभु यीशु का विरोध नहीं करते, सब धर्म को सब लोग मानते हैं। विरोध करते तो भाजपा के व्यापार का, भाजपा व्यापारी है जो राम के नाम का व्यापार करती है और काम रावण कौरव और कंस का करती है। रावण और राम का राशि एक है, लेकिन रावण असुर था और राम भगवान कहलाया, क्यों? कि राम अपने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, ये इनका संस्कार तो रावण जैसे हैं।
ऐसे भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये असुरों की नादे हैं। देश में अपने ही मुल्क में मानव समाज के साथ इस तरीके से प्रताड़ित करना अब तो हद हो गई। आपने जामिया जेएनयू में लाठियां चार्ज की, आप वहां हाथ पैर तोड़े, किसानों के हाथ पैर तोड़े, कई किसानों को शहीद किया, सीएनआरसी में आपने कई लोगों को फंसाया, अब तो हद हो गई। अगला नंबर हमारा और आपका आ गया, पता नहीं कब कल आपका आ जाए। अरे नहीं डराइए मत। अरे फिर डरा कौन डरा रहा है? आपको भी लगता है जी न्यूज की तरह सांसद बनना है क्या? नहीं, आपको नहीं। भी रिपब्लिक भारत की नहीं लग रहा। अरे भैया समा बांध मैं समझ गया, कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, एक दिन अर्णब गोस्वामी की तरह आप ही चैनल के मालिक बनोगे। फिर बात देखिए, मैं तो आपकी बात, जिन बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? हम पूछना चाहते हैं, जिस इलाहाबाद में छात्रों को मारा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, बिहार के गया में, दरभंगा में, पटना में, तमाम जिलों में जिन छात्रों को मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं है? कल कहते ना आपकी, वो पाकिस्तान से थे, उनका फंडिंग एसआई से होता था, उनका चाइना से होता था, ये भटके हुए हैं, वो कश्मीर था, वो भारत का हिस्सा था और अखंड भारत की राजधानी पटना थी, भूल गए आप? जब जब बिहार से क्रांति का आगाज हुआ है, सत्ता तो दूर, आप समझिए बिहार से जब क्रांति का आगाज होता है तो सात समुंदर पार बैठी हुई ताकतें हिल जाती है। जो विश्व का दो दो विश्व युद्ध का विजेता था, कोई ब्रिटेन कोई गाजर मूली नहीं था, जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया, समझिए सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से चला था। मंगल पांडे जी की धरती पर आप खड़े हैं, ये है यूपी और बिहार। टीका लगा करके इतना भड़कते हैं? अच्छा टीका किसी के बाप के बपौती है, आप भी रखा गया है? नहीं नहीं, बीजेपी के आने से पहले टीका नहीं लगता था, भगवान ही पहनता था है? अरे नहीं, मतलब ये टीका बीजेपी के नेताओं के बाप की बपौती है, बाप का जागीर है, हिंदू धर्म नहीं था। अरे फिर वही बात, आपको क्या बना करने वाली सरकार है तो सबसे ज्यादा कौन हिंदू तो? काम करती है सरकार, खुद विरोध करते हैं तो मतलब अरे क्या खाते हो? समझ के तो नहीं खाते हो ना? जो महंगाई बढ़ी है, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का है, ये 1000 रुपया में हुआ तो हिंदू को खतरा नहीं है इसे? अब बताए एक बात बताए, सुनिए ना आप क्या बता रहे हैं? मैं अभी जो छात्रों को मारा पीटा जा रहा है घर में घुस घुस कर आतंकवादी जैसा, वो हिंदू नहीं है? हाँ, है। तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हिंदू को प्रमोट कर रहा है, जिस महिला की साड़ी खोल ली गई उत्तर प्रदेश में चुनी हुई महिला की, वो हिंदू नहीं थी? जिसके साथ बलात्कार हुआ वो महिला हिंदू नहीं थी? हिंदू पूछ रहे हैं हम आपसे। आईजी अभिकांत ठाकुर पूर्व आईजी, जिसके साथ सिर्फ ये कहने से कि हम ढोंगी अपराध खिलाफ केस लड़ेंगे, उस पर आतंकवादी जैसा सलूक हुआ, वो हिंदू नहीं था? बताइए ना आप, किस हिंदू की बात कहते हैं? खाद के दाम बढ़ गए तो क्या हिंदू उससे प्रभावित नहीं है? किसको समझा रहे हैं भैया आप? तेल के दाम बढ़ गए तो क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? बेरोजगारी पढ़ा तो क्या हिंदू बेरोजगार युवा नहीं है? सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, कहते हैं हिंदू खतले में है, हिंदू खतले में है। अबे बेशर्मो, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, दिल्ली पुलिस माने कहीं भी स्टेट पुलिस का पुलिस कमिश्नर हिंदू, सेना का सब विभाग का अधिकारी हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, तब हिंदू खतरे में है? तो अरे बेशर्मो, कह दो मोदी जी को इस्तीफा दे दे, किसी मुसलमान को बना दे मुसलमान, राष्ट्रपति को बना दे मुसलमान को, मुसलमान खतरे में? क्यों खतरे में दे रहे हो भैया? अपनी कुर्सी के लालच में हिंदुओं को मौत के मुँह में ढकेल रहे हो? कह दो हिंदू खतरे में, बना दो मौलाना जी को, आओ आइए मौलाना जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खतरे में ना हो जाएंगे लोग? हम क्या खतरे में रहे, हम तो हिंदू हैं। मियां जी को खतरे में कहिए, मोदी जी को, मोदी जी को कहिएगा हमारी तरफ से कि सौ मियां जी को खतरे में डाल देंगे, इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनको राज्यपाल बना दीजिए, उनको राष्ट्रपति बना दीजिए। और जी बात कहते हैं, सवाल उससे पूछो जो शासन में है, सत्ता में है, पावर में है, जिसके पास देश की जनता ने चुना है, ये सवाल तमाम पूछे जाते हैं। आप हिंदू मुसलमान पर क्यों जाते हैं? आप योगी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दोबारा से सत्ता में रिपीट को? योगी आप किसको कहते हैं बताइए, ईमानदारी ईमानदारी योगी में भी शक है आपको, मैं बोल रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जो है बोल रहे वापिस सत्ता में आए। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, योगी वो होता है जैसे राजा, समझिए विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़कर बिहार के बक्सर में कुटिया बनाई और उन्होंने तपस्या की, हैं शेर पाला है। अरे शेर तो शेर कौन पालता है भैया, शेर कौन होता है जानवर? और शेर जब
इंसान के इलाकों में आएगा तो आदमखोर बनेगा। तो आदमखोर बना हुआ है ना, आप तो अभी तो शेर कह रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी को, नहीं कह रहा। फिर कौन कह रहा है? नहीं भैया, हम आदमी के बीच में जानवर की जरूरत नहीं है, शेर की नहीं जरूरत है, इंसान की जरूरत है। और इंसान वो इंसान जो मानवता की बात कहता हो, जो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बात कहता हो, चाहे वो देश का कोई भी नेता हो, जो जाति धर्म की बात कहता है वो रियल में शेर है। इसीलिए तो ओवैसी को भी शेर बोला जाता है और मोदी को भी शेर बोला जाता है। और शेर का काम आदमखोर होता है, शेर जानवर है, जानवर का काम जंगलों में है, रिहायशी में नहीं है मेरे भाई, नहीं है। चलिए तो पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हालांकि बहुत कुछ बोल गए हमें, चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।